ओके मैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल शुरू से ना. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का डिक्शनरी मीनिंग अगर हम लोग जाना चाहते हैं, एक फॉर्मल मीनिंग, व्हाट डज इट मीन? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द स्टेट और मैनर ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और मेड अप इनटू एन ऑर्डर्ड व्होल, समथिंग मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विद वैरायड फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू द होल एंड टू द कलेक्टिव फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म. ये बहुत सारा डेफिनेशन है ओडी का, बट अगर मैं सिंपल भाषा में ओडी को समझूं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को समझूं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, सो एंटायरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मल अप्रोच, एक फॉर्मल तरीके से कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने डिफरेंट फंक्शंस को अलाइन कर सकता है, इसको ये बोलता है ओडी. ना ओडी का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है, दैट इज अ प्लांट ऑर्गेनाइजेशन वाइड continuous process designed to improve communication, problem solving and learning through the application of behavioral science knowledge. इस definition को अगर आप समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी. This is a planned organization wide planned. देखो organizational development is always planned. Change. आप लोग के ये जो first semester में भी है organizational behavior, organizational change, organizational development. Change कभी भी हो सकता है. Change can be planned or unplanned. But when we are talking about development, it is always a planned change. Organization, देखो हम लोग यहाँ दो concept study किए हैं, like growth and development. आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके degree में growth हो रहा है, learning effect में growth हो रहा है, but वो पढ़ाई का impact क्या होगा आपकी life में? आप एक अच्छे जगह नौकरी करोगे, salary अच्छी होगी, एक गाड़ी में घूमोगे, एक बंगलों में रहोगे, so this will lead to a increase in your overall standard of living. So that leads to development, वही development हो गई. सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट कैसे होगा? हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब उसमें जितने भी स्टाफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उन सारे स्टाफ लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा? तभी हो सकेगा जब ऑर्गेनाइजेशन वाइड, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाइड, मतलब सिर्फ मैं अपने लिए सोचूं तो मेरा फैमिली डेवलप नहीं हो सकता. आई नीड टू थिंक अबाउट माई एंटायर फैमिली, एंटायर फैमिली मेम्बर. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन वाइड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं ऐसा चेंज लाऊंगी, एंटायर एम्प्लॉई, यस ऑफ कोर्स, जब एंटायर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, तो एंटायर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब वो प्लान्ड होगा. कोई भी चीज़ जब हम लोग प्लान्ड तरीके से करेंगे, अ प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आज डेवलपमेंट किया, कल हो गया, ऐसा नहीं होता, होते ही रहेगा. मतलब आज से मैंने प्लानिंग किया, मुझे चेंज करना है. सपोज आप लोग जैसे पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है. अब मैं आप लोग सोचो कि मैम की पढ़ाई खत्म हो गई, ऐसा होता है क्या? मैंने एक टाइम में पढ़ाई की थी, मेरा सर्टिफिकेट लेने खत्म हो गए, लेकिन पढ़ाई एवरी टाइम वी हैव टू डू, बिकॉज एवरी टाइम अ न्यू थिंग्स आर कमिंग एंड वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली. इन ऑर्डर टू टीच, इन ऑर्डर टू बी इन दिस प्रोफेशन, आई नीड टू बी अपग्रेडेड एवरी टाइम. नए नए चीज़ों को मुझे जानना है. सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस डिजाइन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. How will it help organizational development का जो continuous program है, OD का जो program है या process है, it will help in solving problems. How? Through learning communication. देखो हमारे life में सारी problems ही communication की वजह से है. अगर हम अच्छे से communication करना चाहें तो problem जो है वो आएगी ही नहीं. We can solve our problem very easily if we know how to communicate well. And learning through the application of behavioral science knowledge. एक छोटे से डेफिनेशन में कितनी सारे चीज़ों को कवर किया है, कितने सारे चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो ओडी का मेन फोकस किन चीज़ों पर है? फर्स्ट, इट इज़ अ प्लान्ड चेंज, इट इज़ नॉट अ चेंज दैट विल मींस टेक प्लेस ऑटोमेटिकली. इट्स अ लॉन्ग रेंज चेंज, लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा ओडी में प्रोसेस क्या है? दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेन मेरा कंसर्न क्या है? दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम्स कैन बी ऑफ एनी टाइप. हो सकता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स इंटेंस हो गए, मेरे जो पुराने ऑर्डर्स थे कैंसिल हो रहे हैं. सो वॉट इज़ द प्रॉब्लम? देर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. फॉर दैट आई नीड टू चेंज. सिर्फ चेंज होने से नहीं होगा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लान चेंज, इट विल ऑलवेज लीड टू हैव अ डेवलपमेंट. टीम बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टीम बिल्डिंग पे फोकस ज़्यादा करता है, बिकॉज लोगों को लेकर हमको काम करना है. एंड द फीडबैक, वॉट कैन ओडी एड्रेस? ओडी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है, किन चीज़ों को एड्रेस कर सकता है? द फील्ड ऑफ ओडी इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स
As such, OD professionals will find themselves in many different contexts using a wide range of methods and processes to bring about desired outcomes in organization. This question will be answered more fully, matlab jab details hum padhenge to acche se denge. For now, let me share a few situations in which I have been involved as an indication. Yahan pe cheezon ko bataya ja raha hai ki kuch kuch cheeze jaise OD kin kin cheezon ko share karti hai. Like OD ka main jo concern hota hai, that is about leadership, decision making process, then the people, work processes and systems and the culture. Matlab agar effective organizational development, effective organizations ki baat karte hain, effective organization kin cheezon ko lekar chalta hai. Effective organizational structure mein 5 key areas hone ki zarurat hai. What are those? Leadership, decision making and structure, people, work processes and systems and culture. तो हमारा OD, जब हम लोग OD की बात करते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हो या OD हो, उसका मेन फोकस इन सारे चीज़ों को लेकर काम करना है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OD, द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ODs प्रोफेशनल प्रैक्टिस एरियाज अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड अ सिंथेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशन बाय प्रोवाइडिंग द की पॉइंट्स दैट इट शो इन द रेंज ऑफ डेफिनेशंस अवेलेबल. क्या क्या चीज़ें OD में होनी चाहिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन OD, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम लोग को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है. इट मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सिंपल सी बात है, जिस बिजनेस में मैं हूँ, मुझे डेवलपमेंट जब करना है तो आई विल डेवलप इन दैट सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मुझे उसी लाइन ऑफ बिजनेस को डेवलप करना है. इज रूटेड इन द बिहेवियरल साइंस, सिंपल सी बात है. OD का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आया बिहेवियरल साइंस से आया. इज लॉन्ग रेंज एंड ऑन गोइंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, चलते रहेगा. येस स्ट्रेसेस आर प्रोसेस ओरिएंटेशन टू अचीव रिजल्ट. यहाँ पे हम लोग का जो मेन स्ट्रेस होता है दैट इज़ ऑन प्रोसेस ओरिएंटेशन, मेन काम ही प्रोसेस के ऊपर होता है. ODs इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन. ODs आप जब डेवलपमेंट करना चाहो अपने आप नहीं कर सकते, इट इज़ बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन. दैट मीन्स वी रिक्वायर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, टीम, अगेन दैट टीम बिल्डिंग, तो कोलैबोरेशन के ऊपर है. इज अ सिस्टम्स ओरिएंटेशन, व्हाट इज अ सिस्टम्स ओरिएंटेशन, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, क्या है सिस्टम्स ओरिएंटेशन, मतलब क्या है, हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही हमारा प्रोसेसिंग होगा और वैसा ही आउटपुट आएगा. सो OD इज लाइक सेम, OD इज ऑल्सो सिस्टम्स ओरिएंटेशन. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्राइमरली बिहेवियरल साइंस अप्रोच दैट ड्रॉज फ्रॉम सच फील्ड्स एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट, बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. OD जो है, OD इज जस्ट लाइक OB, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है ये OB जैसा ही है. जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर था वो कहाँ कहाँ से आया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है वो कहाँ कहाँ से हुआ, फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, वेरी गुड मॉर्निंग, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे OD भी इन सारे चीज़ों से रिलेटेड है. अ प्राइमरी प्राइमरी द नॉट एक्सक्लूसिव गोल ऑफ OD इज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. OD का प्राइमरी जो गोल है इज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, दैट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ OD. दिस इज़ प्राइमरी नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये ही गोल नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है. लाइक दिस द टारगेट ऑफ द चेंज एफर्ट इज द वुल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स और इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज मेंशन अर्लियर मे एक्सटेंड टू इंक्लूड अ कम्युनिटी, नेशन और रीजन. हमारा जो ये चेंज एफर्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, दिस इज अ चेंज एफर्ट. ये चेंज एफर्ट हम लोग के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, जो पहले भी हम लोग पढ़े ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट, तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप और इंडिविजुअल, मैंने हर कोई का, मतलब हर चीज़ों को डेवलप कर रहा है. OD रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट्स कमिटमेंट, सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट. देखो, कोई भी डेवलपमेंट होगा, कोई भी चेंज एफर्ट होगा, वी कैन नॉट डू इट फ्रॉम एनी मीन्स इफ़ वी डू फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच, इट हैज़ टू बी अ टॉप डाउन अप्रोच. Whenever we want to change, we want to implement something, it has to come from top management, right? It is a planned and long-range strategy for managing change,
while also recognizing that the dynamic environment in which we live requires the ability to respond quickly to changing circumstances. The major focus of OD is on the total system and its dependent part. What does it mean? Major jo focus hai OD ka, wo total system ke upar hai. Matlab OD sirf ek part ko lekar nahi hai. Ye jo organizational development hoga, this is on the entire thing. And OD is also a collaborative effort. It is an education based program designed to develop values, attitude, norms and management practices that results in a healthy organization climate that rewards healthy behavior. Ye जो देखो ओबी में जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, वही चीज़ ओडी में भी है. ओडी में थोड़ा एक्सटेंडेड वर्शन है, या हम बोल सकते हैं इन डेप्थ इसको स्टडी कर रहे हैं. ये एक एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है. ओडी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट करना है, दिस इज़ एन एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम. अब एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स का मतलब नहीं है कि आप खाली पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाओ, या यू आर लर्निंग ओनली अ न्यू स्किल. द वेरियस थिंग वी आर लर्निंग एक्चुअली, वी आर डेवलपिंग अवर वैल्यूज. देखो जब आप नई नई चीज़ें पढ़ रहे हो, नए नए लोगों के संग इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर लर्निंग वेरियस थिंग. आपका एक अलग वैल्यू, आपका वैल्यू सिस्टम बचपन से डेवलप हुआ है, बट अगेन वंस यू आर मीटिंग विद डिफरेंट पीपल, उसमें कुछ चेंजेस आता है, आपका एटीट्यूड में चेंज आता है. नॉर्म्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल पूरा चेंजेस कर रहा है आपके थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी सोच, आपके काम को करने का तरीका, हर चीज़ ही चेंज करने की कोशिश कर रही है. तो ओडी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक चीज़ आपको पढ़ा दी, आपको मैंने मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज करवा दिए, कुछ पढ़ा दिया, बट हो गया, वैसा नहीं है. यहाँ पर फंडामेंटल चेंज है आपकी जो सोचने का तरीका है, कि मैं, मुझे कोई क्यों बोलेगा, मैं खुद ही करूँगा. सेल्फ ड्रिवन प्रैक्टिस, ओडी इज़ ड्रिवन बाई ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, राइट. Now, it is a data-based approach to understand and diagnosing organization. Organizational development क्या है, ये data-based approach है. मतलब हम लोग पहले सारा data collect करते हैं, कि OD का एक process है देखना, पहले diagnostic करते हैं. Diagnosis मतलब पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, क्या है organization में क्या problem है, पहले उसको समझना है, तो उसके आगे development करना है. ये सारी चीज़ first semester में आप लोग का था, है सब, तुम लोग का है, इसका था, तो वो वहीं से ये सब आ रहा है. मतलब ये डेटा बेस्ड अप्रोच है, पहले हम लोग सारा कलेक्शन करते हैं, क्या जानकारी है नहीं है, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ इट रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर प्लान्ड फॉलोअप टू मेंटेन चेंजेस. इट इन्वॉल्व्स प्लान्ड इंटरवेंशंस एंड इम्प्रूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर एंड रिक्वायर्स स्किल्स इन वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड होल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाई एक्शन रिसर्च. ये जो हम लोग का एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाई एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च मतलब क्या है, हम लोग पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. इसी को बोला जाता है, लाइक मैं पहले रिसर्च करूँगी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कैसे हो रहा है, क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. वेन एंड वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज ओडी. अब ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इसको कब और क्यों यूज़ करेगा. द फील्ड ऑफ ओडी इज एक्सट्रीमली ब्रॉड. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेटिंग क्लियरली व्हाट द फील्ड एंटेल्स. ओडी इज नॉट अ टेक्निक और अ ग्रुप ऑफ टूल्स, दो सम ओडी प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस एज इफ इट वेयर. रैदर ओडी कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू मेक प्लान्ड इम्प्रूवमेंट्स यूजिंग द ओडी वैल्यूज. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये बहुत एम्बिजियस है, लोगों को इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मैंने मुश्किल है, क्योंकि लोग इसको ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं. बट एक्चुअली क्या है, ओडी जब आपको इच्छा होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने की, तभी आप उसको डेवलप कर सकते हो, राइट. यहाँ तक समझ में आया है?